हाँ मुनाफ। बाबा भाई एक बुरा खबर बा। वाह भाई। सिकंदर खान के पंख बहुत निकल गए बा। ओकरा काटल जरूरी बा। हम थोड़े चुप क्या हुए, बच्चे शोर मचाने लगे। फिकर मत कर। केहू के ऐसन भेजी जे। बस ना शेर है ना शिकार है ना बादशाह ना खिलाड़ी। अगर एक बार सुलग गई तो जलाकर राख कर दिया ऐसन चिंगारी है। यू समझ लो सनकी है, बहुत खतरनाक है। सिकंदर का बाप है। 85 शूट आउट। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शूटर। सुना है अंधेरे में भी तेरी चलाई हुई गोली दुश्मन के भेजे के बीचों बीच लगती है। आज बाबा खान पूरे हिंदुस्तान को अकेले कंट्रोल कर रहा है। हिंदुस्तान का हर एक गैंगस्टर उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। सोच मल्लेश, अगर बाबा खान ही नहीं रहा तो। रघुआ का बोला तानी जीजा जी, कुछ अंदाजा भी बार हुआ के? बाबा खान को मारना इतना आसान है भाईजान? आसान है, मैंने पूरा पता कर लिया है। कल बाबा खान का बेटा अमेरिका से पढ़कर 10 साल के बाद मुंबई आ रहा है। यही वक्त है दोनों बाप और बेटे को चौन से मारने का। तुम मार पाओगे बाबा खान को? कौन बचाएगा बाबा खान को? वही जो बाबा खान और उसकी मौत के बीच में दीवार बन के खड़ा है, जो बाबा खान की असली ताकत है। अगर बाबा खान शरीर है तो वो उसका साया है। कौन है वो? विश्वा। पढ़ाई तो कर ली अमेरिका में, यहाँ क्या करने का इरादा है? अब्बू जान, जिसके बाप के पास इतना बड़ा साम्राज्य है उसे कुछ करने और सोचने की क्या जरूरत है? अब मैं आपके पास इधर ही रहूंगा, पूरे शान से जिंदगी जीऊंगा। चलो ठीक है, और बाकी क्या क्या उधर? कोई लड़की बड़की का चक्कर तो नहीं चल रहा उधर?
Boss. मच्छर तो मार नहीं पाते, बाबा खान को मारने का सपना सजाते हैं। पॉस, पॉस।